ये पूरा झारखंड का जनता का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है। अगर यदि 60-40 वापस हो जाता है, उसके बाद क्या देवेंद्र नाथ महतो जो जेएसएसयू का छात्र नेता है वो विधायक बनेगा कि नौकरी करेगा? 60-40 वापस करके भी ये झारखंडी खून नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जी आपका जो दोगला नीति है, दो मुहुआ नीति है ना, आपका जो विधायक लोग लिख के देता है कि हम 60-40 का समर्थन नहीं करते हैं, और फिर आकर के वो चुपचाप सूत गए, जाकर के लिख के दे दिए कागज में ले हम 60-40 का समर्थन ना करो, यो जाके सूत गए। और विधानसभा में जब मुख्यमंत्री जी बोलते थे ना, जब विधानसभा में मुख्यमंत्री जी यार है, तो ये तो ट्रेलर है बंद जो है, अब जो है कल फिल्म दिखेगा। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग एडमिट कार्ड फाड़ो अभियान चलाएंगे, एडमिट कार्ड की टीम एडमिट कार्ड फाड़ो अभियान चलाएगी, झारखंडी लोग एडमिट कार्ड फाड़ो अभियान चलाएंगे, झारखंड के जो भी होटल वाले लोग होंगे, बस वाले लोग होंगे, उस दिन बस बंद रहेगा, एग्जाम के दिन, एग्जाम के दिन नोटबंदी का घोषणा कर देंगे, एग्जाम होने ही नहीं देंगे, बाहरी लोग एडमिट कार्ड फाड़ देंगे, बस में चेक करेंगे, ट्रेन में चेक करेंगे, होटल में चेक करेंगे कौन कहाँ रुका है। और हम नम्र निवेदन करते हैं बाहरी लोगों से कि भैया झारखंड मत आइए, झारखंड में आग मत लगाइए, नहीं तो महाराष्ट्र। एक सवाल और है, ये पूरा झारखंड का जनता का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है। अगर यदि 60-40 वापस हो जाता है, उसके बाद क्या देवेंद्र नाथ महतो जो जेएसएसयू का छात्र नेता है वो विधायक बनेगा कि नौकरी करेगा? 60-40 वापस करके अगर यहाँ का क्षेत्रीय जो हमारा मांग है, यहाँ का क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से सुसज्जित खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति लागू करके या तमाम रिक्त पद को अगर नियुक्ति देती है तो देवेंद्र नाथ महतो राजनीतिक नहीं करेगा, आंदोलन नहीं करेगा। और अगर बड़ा बड़ा खतियानी यात्रा निकालेगा, जोहार यात्रा निकालेगा, 1932 पारित हुआ बोल के गांव गांव तक पोस्टरबाजी करेगा, जनता का पैसा 20-30 करोड़ खर्चा करेगा और खतियान का बात करेगा, और दूसरी तरफ विज्ञापन में झारखंड शब्द को रखने का हिम्मत नहीं करता है, तो कान खोल कर सुन लीजिए, नहीं चलता ऐसा सरकार, नहीं चलता ऐसा MLA MP, नहीं चलता। एक सर घर से रख के हम लोग इस आंदोलन को लड़ रहे हैं, और इस बार कफन बांध लिए हैं, इस बार कमर कस लिए हैं, कोई इस बार हम लोग को एक बार एक टस से मस नहीं कर सकता है, और यह आंदोलन हम लोग का ऐतिहासिक होगा। एक सवाल और है, लोग कहते हैं, और लोग नहीं आपके जो गांव के सदस्य लोग हैं उनका कहना है कि देवेंद्र नाथ के बाबूजी जो है वो कहते हैं कि झारखंड के लिए एक बेटा को हम कुर्बान कर दिए, आपके बाबूजी से सुना गया है ऐसा शब्द, क्या कुछ सही है? देवेंद्र नाथ झारखंड के लिए ही बना है क्या कुर्बान? हाँ, बोल दिया है, कहा कि हम अपना पिताजी का फोन नहीं उठाते हैं। सुनने में आया कि दो दो महीना, तीन तीन महीना, छः छः महीना तक फोन नहीं करते हैं घर? नहीं, इसलिए नहीं करते हैं, मेरे पिताजी बूढ़े हैं, घर में दिक्कत है, परेशानी है, अगर हम घर जाते हैं तो एक इंसान हम भी हैं, एक इमोशनल में आ जाते हैं, और जब कोई इमोशनल पे आता है तो यहाँ कुर्बानी और आंदोलन लड़ने के लिए उसका जो है बाधा हो जाता है। इसलिए हम अगर मेरे घर के रास्ते से भी जाते हैं, हम दरवाजे से निकल जाते हैं, लेकिन हम घर नहीं घुसते हैं, यह सच्चाई है, यह सच है, ये मेरा घर में जाके आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अभी हम लगातार घर आसपास में हम कितना आंदोलन किए, एक रात हम घर नहीं गए हैं, चूँकि हम घर जाते हैं तो हमको घर में तरह तरह का दुख सुनाया जाता है। पिताजी बोलते हैं मेरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से नहीं हो रहा है, कमर में दर्द बढ़ गया है, पीठ में दर्द बढ़ गया है, थोड़ा सा परेशानी हो गया है, जो है कि कमजोरी हो गया है, तो कोई पिताजी सब बात बोलते हैं तो एक इमोशनल पे आ जाते हैं, और हमारा आंदोलन हमको खुद लगता है कि हमारा बाधा हो रहा है, इसलिए हम उस मोह माया से दूर रहने के लिए हम घर नहीं जाते हैं, ना ही फोन में बात करते हैं, और हम ये मना कर दिए हैं कि कैसे हैं, कहाँ हैं, इसको जानने के लिए फ़ोन करने के लिए, बाकी मेरे साथी के माध्यम से घर वालों को पता चलता है कि हम कब कहाँ हैं, बस यही है घर। चलिए ठीक है, आप लोग तो जानते होंगे कि झारखंड जो है खनिज संपदा से भरल पूरा झारखंड है, यूपी वाला भी आके लूटो, बिहार वाला भी आके लूटो, छत्तीसगढ़ वाला भी आके लूटो, गुजरात वाला भी आके लूटो, दिल्ली वाला भी आके लूटो। अब ये बताइए 60-40 के बाद पूरा खनिज संपदा तो लूटने के लिए बुला लिया बाहर से, अभी 60-40 में भी आप लोग को मतलब लूटने देगा कि बचने नहीं देगा क्या आप लोगों को? 60-40 तो ना चलतो, परीक्षा तो हम लोग नहीं होने देंगे। अच्छा, किसी भी हालत में हम अच्छा, आप बोल रहे हैं परीक्षा नहीं होने देंगे, लेकिन लगातार जो सरकार है फॉर्म पर फॉर्म निकाल रही है, अभी हाल ही में लैब टेक्नीशियन, CGL, फलाना, टिमका, चिकना, बहुत सारा ऐसा करके फॉर्म निकाल दिया और एग्जाम भी लेने जा रही है। फॉर्म निकालने का टाइमिंग आपको देखना चाहिए, जैसे ही सरकार ने देखा कि 9 तारीख को मशाल जुलूस है, 10 और 11 को बंद है,
7 तारीख को सरकार विज्ञापन दे देती है, पीजीटी का जो है वो रिजेक्शन लिस्ट निकाल देती है, तो सरकार कहीं ना कहीं बहुत डरी हुई है। लेकिन होता है ना कि लाज से ना गौड़वा आगे खींच सकते हैं ना आगे पीछे कर सकते हैं, वही सरकार बीच मझधार में। लेकिन हम हेमंत सोरेन के कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी एक बार आप साहस दिखाइए, आप अभी 29 सीट पर है ना, आपको अगर 79 पर ला के हम लोग झारखंडी नहीं खड़ा कर दिए ना तो भी ये झारखंडी खून नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री जी आपका जो दोगला नीति है, दो मुहुआ नीति है ना, आपका जो विधायक लोग लिख के देता है कि हम 60-40 का समर्थन नहीं करते हैं और फिर आकर के वो चुपचाप सूत गए जाकर के, लिख के दे दिए कागज में ले हम 60-40 का समर्थन ना करो, यो जाके सूत गए। और विधानसभा में जब मुख्यमंत्री जी बोलते थे ना, जब विधानसभा में मुख्यमंत्री जी बोले थे कि झारखंड के युवाओं को एक महीना के अंदर संविधान आधारित नियोजन नीति बना करके देंगे, हमारे गिरिडीह के विधायक सुदीप सोनू जी हम लोग से आकर के वादा किए थे, और सुदीप सोनू से जानते हैं हम लोग, जब मांगने गए थे ना तो समर्थन किया आप समर्थन दीजिए तो बोलते हैं कि हम थाईलैंड में घूम रहा लियो, अभी तो हम थाईलैंड में ही हो, थाईलैंड में मसाज करा रही हो हम अभी, हम खुद गिरिडीह से है लेकिन एक बार भी अभी तक हम उनका कवरेज नहीं ले पाए। वो बोले ना वो बहुत बड़ा चाटुकार विधायक हैं, उनको अगर हिम्मत है तो आके छात्रों से बात करें, एक नंबर के चाटुकार विधायक हैं मुख्यमंत्री के, वो पद की लालच में, वो एक मुख्यमंत्री जो मंत्री का पद खाली है ना वो लेने के चक्कर में है वो, इसलिए वो नहीं आ रहा है सुदीप। अच्छा एक चीज़ और आपसे सवाल है, अगर यदि ये बंद नहीं होता, ये वापस नहीं लिया जाता है तो आप लोग अगला कदम क्या लिखे, क्योंकि तीन बार या तीसरा बार होगा शायद से आप लोग का आंदोलन, दो बार तो लगभग जो है सो उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुआ, कोई कदम नहीं उठाया गया, ये तीसरा बार अगर यदि फैल हो जाता है, बाय द वे हम नहीं चाहते हैं कि फैल हो और छात्रों का भविष्य बिगड़े, लेकिन अगर यदि फेल हो जाए तो छात्र क्या कदम उठाएंगे, एग्जाम लिया जाएगा तो क्या करेंगे? देखिए ये झारखंड जो है बिरसा मुंडा की धरती है, हम लोग गुलगुलान के लिए तैयार है, तो ये तो ट्रेलर है बंद जो है, अब जो है कल फिल्म दिखेगा, इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग एडमिट कार्ड फाड़ो अभियान चलाएंगे, एडमिट कार्ड एसयू की टीम एडमिट कार्ड फाड़ो अभियान चलाएगी, झारखंडी लोग एडमिट कार्ड फाड़ो अभियान चलाएंगे, झारखंड के जो भी होटल वाले लोग होंगे बस वाले लोग होंगे उस दिन बस बंद रहेगा, एग्जाम के दिन एग्जामे के दिन हम लोग बंदी का घोषणा कर देंगे, एग्जाम होने ही नहीं देंगे, बाहरी लोग का एडमिट कार्ड फाड़ देंगे, बस में चेक करेंगे, ट्रेन में चेक करेंगे, होटल में चेक करेंगे कौन कहाँ रुका है, और हम नम्र निवेदन करते हैं बाहरी लोगों से कि भैया झारखंड मत आइए, झारखंंड में आग मत लगाइए, नहीं तो महाराष्ट्र का हाल होगा झारखंड में। चलिए ये तो हो गया 60-40 को लेकर के, अगर यदि ये दो दिन का आपका दो दिवसीय जो बंद है लॉक पूरा ताला लॉक संपूर्ण झारखंड, उसके बाद क्या कदम होगा? सुनने में आ रहा है जेएसएसयू के टीम के द्वारा राजनीतिक का भी कुछ अगुवा किया जाएगा, आगे की ओर कदम बढ़ाया। देखिए अभी इस बारे में कोई घोषणा नहीं है, लेकिन जो है अगर सड़क से सरकार नहीं मानती है तो क्या करें हम लोग, आखिर ये क्या करेंगे हम लोग, तो अपना प्रतिनिधि भेजना पड़ेगा विधानसभा में, तब जा करके हम लोग का ये बनेगा, ठीक है ना, नीति बनेगा हम लोग के झारखंड के हित में, बालू लूटने से बचेगा, झारखंड का जो मांदर का थाप है वो हम लोग को अब सही सुनने को मिलता है। आप जाइए ना भैया झारखंड में, देखिए हरमू नदी, नदी था कि नहीं था, आप जाइए हरमू नदी के अगल बगल कौन लोग बसे हैं, जाकर के देखिए किस राज्य के हैं, और हरमू नदी का भी क्या हाल है, परसों ही तो पर्यावरण दिवस था 5 जून को, आप देखिए जाके हरमू नदी में रिपोर्टिंग किए थे बहुत सारे रिपोर्टर लोग, क्या हाल बना करके रख दिए उन लोगों को, झारखंड की अस्मिता से कोई मोह माया नहीं है, झारखंड को लूटने के लिए लोग आते हैं, नौकरी करने और सेवा करने के लिए नहीं आते हैं। सुन लीजिए मुख्यमंत्री महोदय जी, थोड़ा एसी का जो ब्लोवर है ना वो कम करिए, तब जाकर के आपको इनका आवाज सुनाई देगा शायद से कान में।